फूड बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, फूड से रिलेटेड बिजनेस आपने बहुत देखे होंगे, अलग अलग तरीके के वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलने वाले हैं। और हमारे देश भारत में आपने देखा है, अगर आप कहीं घूमने को जाते हो क्राउड वाले इलाके में, तो आपको अलग अलग तरीके के ठेले फूड से रिलेटेड मिलते हैं, अलग अलग तरीके के छोटे छोटे बिजनेस फूड से रिलेटेड बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आज इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे फूड बिजनेस को प्रेजेंट करने वाला हूँ जो अभी इंडिया में नहीं बनता है। अगर अभी आप इसे स्टार्ट कर देते हो तो आप डेफिनेटली पर डे का 5 से 6 हज़ार रुपये का अर्निंग करने वाले हो। इसका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ, मशीन किस तरीके से वर्क करती है, मशीन का प्रोसेस क्या होने वाला है, रॉ मटेरियल किस तरीके से आप रेडी कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें इस मशीन से आप बना सकते हो, किस तरीके का फूड इस मशीन से आप बना करके मार्केट में सेल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट दोस्तों आपका बनते ही मार्केट में डेफिनेटली सेल होने वाला है, और आपका ये प्रोडक्ट दोस्तों बच्चे, महिलाएं, बूढ़े हर कोई खरीदेगा और हर कोई आपसे इसे ले करके खाना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। तो चलिए किस तरीके से इसे आप बना सकते हैं, किस तरीके का इसका प्रोसेस होता है, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज का जो हमारा फूड बिजनेस है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है। इसमें आप अलग अलग तरीके के फ्लेवर में इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो लगने वाला रॉ मटेरियल है, जी हाँ दोस्तों, रेड बीन पेस्ट आपको 200 ग्राम बनाने के लिए करना क्या है, आपको रेड चावली आपको ले लेनी है। जी हाँ दोस्तों, रेड चावली आपको रात भर पानी में भिगो कर रख देना है, फिर अगले दिन आपको इसे छान लेना है और पानी से इसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और इसका पानी आपको निकाल देना है। फिर इसके अंदर दोबारा पानी डालकर इसे बॉईल कर लेना है, नमक 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल के आपको इसे अच्छी तरीके से हिला लेना है। फिर आपको करना क्या है, एक इसे दोबारा से बॉईल कर लेना है। बॉईल कर लेने के बाद को आपको इसे चन्नी की मदद से छान लेना है, फिर आप इसे कुकर के अंदर आपको इसे डाल देना है। दोबारा इसके अंदर पानी डाल के कुकर में आपको इसे 20 मिनट तक के अच्छा पका लेना है। पकाने के बाद दोस्तों आपको इसे चम्मच की मदद से हिलाना है, फिर आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम नमक डालना है, फिर आपको 70 ग्राम इसके अंदर शक्कर डालना है, फिर आप चम्मच की मदद से आपको इसे अच्छी तरीके से हिला लेना है, फिर 20 मिनट आपको पकने देना है और आपका रेड बीन पेस्ट बनकर के रेडी हो जाने वाला है। तो आपको इसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से बनकर के रेडी हो जाने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैनकेक बनाने के बारे में। तो इसका बैटर किस तरीके से बना सकते हैं, अंडे से भी आप बना सकते हो, विदाउट अंडे का भी आप ये बैटर बना करके रेडी कर सकते हो। तो मैदा आपको इसके अंदर 1 कप डालना है, शुगर 2 टेबल स्पून डालना है, बेकिंग सोडा आपको 1 टेबल स्पून डालना है, सॉल्ट आपको थोड़ा टेस्ट के अनुसार डालना है, मिल्क आपको 1 कप डालना है और ऑयल आपको इसके अंदर डालना है, जी हाँ दोस्तों, 2 टेबल स्पून। इस तरीके से आपका बैटर बन करके रेडी हो जाने वाला है। तो इसे आप अंडे के साथ भी बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसमें आपको कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर आपको लगने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हो। सबसे पहले आपको मैदा लेना है 160 ग्राम, उसके बाद आपको शक्कर लेना है 2 टेबल स्पून, उसके बाद बेकिंग सोडा आपको लेना है 3 टेबल स्पून और आपको सॉल्ट लेना है 1 टेबल स्पून, मिल्क आपको 300 ml लेना है और आपको बटर लेना है 3 टेबल स्पून और एग आपको लार्ज लेना है। तो दोस्तों पैनकेक जो बैटर आपको बनाना है वो अंडे के साथ आप बना सकते हो। तो अंडा डालने के लिए आपको करना क्या है, तमाम रॉ मटेरियल आपको उसी तरीके से डालना है, एग इस तरीके से आपको डाल देना है, फिर इसके अंदर आपको शुगर नहीं डालनी है। इस तरीके से बैटर आपका बन जाता है, थोड़ा आपको ठीक रखना है और ठीक रख देने के बाद हमारा बैटर बनने के बाद आपको मशीन के अंदर इस तरीके से फील करना है। मशीन के 2 साइड होते हैं, एक साइड में इस तरीके से फील करने के बाद आपको इसके अंदर रेड बीन पेस्ट जो हमने बनाया था इस तरीके से आपको डालना है। नीचे की तरफ से सीख जाने के बाद आपको दूसरी साइड जो बैटर है उसके ऊपर आपको इस तरीके से पैनकेक को उलट कर रख देना है। दोनों साइड से हमारे पैनकेक बन करके रेडी हो चुके हैं। अब आप मार्केट में इसे सेल कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से आपका सेल होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मशीन आप कहाँ से ले सकते हो, किस तरीके से ले सकते हो। तो वेबसाइट से भी इस मशीन को खरीद सकते हो या फिर आपको जहाँ पर भी कम प्राइस में मिले वहाँ से इस मशीन को खरीद सकते हो। तो इंडिया मार्ट पर आपको आना है और पैनकेक मेकिंग मशीन आपको सर्च कर लेनी है। आप जैसे यहाँ पर आते हो तो अलग अलग सिटीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, देखिए ऊपर की तरफ। तो जो भी सिटी में आपको मशीन चाहिए वो सिटी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, या आप देख सकते हैं ये मशीन फुल ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाली है जो 9,50,000 रुपये की आ रही है। इतनी कॉस्टली मशीन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कम से कम प्राइस में आपको मशीन लेना है। तो चलिए मैं स्क्रॉल करके आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए 11,500 रुपये में मशीन आपको मिल रही है, और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो और 11,500 रुपये में ये दूसरे सेलर के पास आपको मशीन मिल रही है, और स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो ये देखिए 11,000 रुपये में मशीन मिल रही है, और नीचे जाते हैं दोस्तों तो 8,800 रुपये में भी यहाँ पर ये मशीन मिल रही है, और नीचे देखते हैं तो 10,000 रुपये में मशीन आपको मिल रही है। तो यहाँ हम कम से कम प्राइस वाली मशीन चेक करेंगे। ये देखिए 8,800 रुपये में मशीन मिल रही है,
इसका जो वोल्टेज है दोस्तों 220 वोल्टेज की मशीन है। और आप यहाँ पर कॉल नाउ का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ जो इसके सेलर है उनसे आप बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मशीन को मंगवा सकते हो। पूरी तरीके से आप जानकारी लेने के बाद ही यहाँ से मशीन को खरीदिए दोस्तों, आप पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए फिर इस मशीन को खरीदिए। तो इस तरीके से आपको क्राउड वाले इलाके में इस मशीन को लगाना है। जी हाँ दोस्तों, जो आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्राउड वाले भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाना है, जहाँ पर भी मॉल्स होते हैं वहाँ पर आपको लगाना है, गार्डन्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपको लगाना है, जहाँ पर भीड़भाड़ होती है उन इलाकों में इस मशीन को लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो फसाई का आपको लाइसेंस लेना होगा जी दोस्तों, फूड लाइसेंस के लिए, और आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस तरीके से आपको ये कर ले। तो देखा आपने मशीन कितना बेस्ट वर्क कर रही थी, तो चलिए अब जान लेते हैं इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कितना आपको इसके अंदर खर्च आने वाला है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली चार्ट के जरिए समझाता हूँ कि कितना आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने वाला है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपको वन टाइम आने वाला है, तो इसमें आपको पैनकेक मेकर आपको लेना है जो 6000 रुपये में भी आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की अगर बात करें तो 2550 रुपये का आपको मिलने वाला है। कुकिंग में जो अदर एक्सपेंसिव आपको चीज़ें लगने वाली है उसका 200 रुपये पकड़ लीजिए। और फूड काउंटर, काउंटर बहुत ज़रूरी होता है, तो ये 13000 रुपये का अगर हम पकड़ लेते हैं तो 21750 रुपये होता है। और GST दोस्तों 3915 रुपये होता है 18% से, तो इसका टोटल होता है 25665 रुपया। तो इस तरीके से टोटल खर्च आपको इसके अंदर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी आपको 2000 रुपये इसका खर्च पकड़ लीजिए। कोई बंदा अगर आप हायर करते हो, वर्कर रखते हो, तो 10000 रुपये, और इंस्टॉल रेंट 10000 रुपये पकड़ लीजिए, और अदर एक्सपेंसिव खर्च, पैकिंग खर्च, ट्रांसपोर्ट का 3000 रुपये, या टोटल खर्च आपका ये भी 25000 रुपये इस तरीके से आने वाला है, जो मंथली आपका चलने वाला है। और वन टाइम भी हमने आपको इन्वेस्टमेंट दिखा दिया है। तो देखा आपने इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से आने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपको इसमें प्रॉफिट किस तरीके से आने वाला है, इस प्रोडक्ट को बना करके आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए ये भी मैं आपको चार्ट के जरिए समझाता हूँ किस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और कितना आपको इसके अंदर अर्निंग होने वाला है। तो दोस्तों एक पैनकेक बनाने के लिए आपको खर्च आने वाला है 10 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपये में आपका एक पैनकेक बन जाता है। अब इसके अंदर सर्विस की बात करें दोस्तों, तो प्लेट्स और टिश्यू पेपर का अगर हम खर्च पकड़ ले 5 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपये ये टिश्यू पेपर और प्लेट्स आपको ग्राहक को देना होता है, तो इसका 5 रुपये पकड़ लेते हैं तो 15 रुपये का इसका टोटल हो जाता है एक पैनकेक का खर्च हमें। तो ये 30 रुपये का अगर आप सेल कर देते हो तो आपको 30 रुपये का सेल करने के बाद भी 15 रुपये इसके पीछे छूटने वाले। इस तरीके से 15 रुपये का आपको प्रॉफिट एक पैनकेक के पीछे इजी हो जाने वाला है। आप मान लीजिए कि एक दिन में आपकी जो बनाने की कैपेसिटी है वो 200 पैनकेक अगर आप बना लेते हो, 200 पीसेज आप बना लेते हो, तो 15 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था आपका, मान लीजिए 15 रुपये के हिसाब से भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो 200 पैनकेक को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 रुपये पर डे का प्रॉफिट कर सकते हो। और अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हो, जी दोस्तों 30 से 3000 को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 3000 को 30 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 90000 रुपये महीने का प्रॉफिट होने वाला है। जी दोस्तों, 30 रुपये का अगर आप पैनकेक बेचते हो तो 90000 रुपये ईजी आप कमा सकते हो। तो आपको जो खर्च आया था मान लीजिए 25000 रुपये, 90 में से माइनस करते हैं तब भी आप 65000 रुपये महीने का आराम से कमा सकते हो। तो इस तरीके से इस मशीन से आप ईजी 65000 रुपये से 70000 रुपये की ईजी अर्निंग कर सकते हो।